में लड़कियों को कितने लंबे बाल रखना चाहिए, मतलब वो कितने तक काट सकती है बाल? देखिए, लड़कियों के बाल के सिलसिले में ये है कि उनको बाल अपना इस तरह से नहीं बनाना चाहिए जिसमें गैर मुस्लिम औरतों की मुशाबहत हो, या फासिक और फाजिर औरतों की मुशाबहत हो, या मर्दों की मुशाबहत हो। इन बातों का ख्याल रखना है बस। बाकी उसको कितना लंबा रखना है, कैसा कौन सा डिजाइन रखना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो लंबा रखने में, डिजाइन बनाने में, उसको बनाने संवारने में उसको सिर्फ इस बात का ख्याल करना है कि मर्दों से मुशाबहत ना हो, फासिक और फाजिर और गैर मुस्लिम औरतों से मुशाबहत ना हो, बस। अब जैसे हम लोगों का मर्दों का बाल होता है, हम लोग छोटा मारूफ है, मर्दों का डिजाइन मारूफ है। अगर कोई औरत इस डिजाइन के बाल कटवाती है तो मर्दों की मुशाबहत है। इसी तरह से बहुत सारी फासिक और फाजिर औरतें हैं, उनके बहुत सारे डिजाइन लोगों के दरमियान मारूफ होते हैं कि इस तरह डिजाइन के बाल जो है इस तरह की औरतें रखती है, उससे बचना है। बाकी इन चीजों में हमारी शरीयत हमें आजादी देती है। पहनने के सिलसिले में और जेबो जीनत के सिलसिले में कुछ महदूद चीजें हैं जिनसे हमारी शरीयत ने मना किया है, वरना अल असलु फिल असिया अल इबाहा। इन तमाम चीजों में असल जवाज है। जिन चीजों से मना किया गया है, जो बात चीजें, चंद चीजें, सिर्फ हमें उन्हीं से रुकना है, बाकी चीजें आप कर सकती हैं। तो अब खुलासा ये कि औरत अपना बाल इतना काट सकती है जितने में मर्दों की मुशाबहत लाजिम ना आए, और जितने में फासिक को फाजिर या गैर मुस्लिम औरतों की मुशाबहत लाजिम ना आए, वो उस तरह से अपना बाल काट सकती है। अगर उसके मतलब अगर किसी लड़की के सर में प्रॉब्लम हो, सर जैसे सर में दर्द और बहुत बाल झड़ना, हमेशा उसको प्रॉब्लम रहना, उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होना, बहुत सारा और भी प्रॉब्लम है, तो क्या वो अगर सर मुंडवा ले तो उसको गुनाह मिलेगा? देखिए, ये अलग मसला है, ये मजबूरी का मसला हुआ, बीमारी का मसला हुआ। अगर किसी औरत को सर में कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सर को मुड़वाना ही है, डॉक्टरों ने बता दिया है कि इसका इलाज सर को मुड़वाना ही है, तो मुड़वा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर में मामूली दर्द है और जो है मैंने अपनी मर्जी से बाल मुड़वा दिया कि जो है मेरे सर का दर्द सही हो जाएगा। आप डॉक्टर से रुजू कीजिए। अगर डॉक्टर बताए कि आपकी इस बीमारी का इलाज आपके सर मुड़वाने में ही है, तो आप मुड़वा सकती हैं। कोई औरत कह रही है मेरे बाल घने नहीं है, मेरे बाल थोड़ा कम है, मैं इनको और घना करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं सर मुड़वाना चाहती हूँ, ये कोई उज्र नहीं है। किसी का बाल ज्यादा घना होना, किसी का बाल कम घना होना, किसी का बाल ज्यादा लंबा होना, किसी का बाल ज्यादा काला होना, ये सारी अलग-अलग जो है खसूसियात होती है तमाम लोगों की। तो ये कोई उज्र नहीं है कि मेरे बाल कम घने हैं, मैं सिलवा लूंगी तो मेरे बाल ज्यादा लंबे हो जाएंगे, ये उज्र नहीं है। कोई उज्र उसको कहते हैं कि जिसके किए बगैर कोई चारा नहीं है आपके पास। अगर ऐसा जी कोई सर, उज्र है तो औरत बाल मुड़वा सकती है। जी मतलब नहीं, मतलब बहुत साल से ट्रीटमेंट चल रहा हो लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो रहा हो, लेकिन डॉक्टर ने नहीं बताया कि सर मुंडवाने से ही अच्छा होगा, लेकिन फिर नहीं मुड़वा सकती, नहीं, फिर नहीं उसको मुड़वा सकती। फिर देखिए, ये मसला मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, इसलिए कि बहुत सारे लोग इस बात का गलत मतलब समझ सकते हैं। औरत के लिए बाल मुड़वाना सिर्फ इस सूरत में जायज है कि उसके पास कोई मजबूरी हो। मजबूरी जैसे उसके सर में कोई ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का इलाज सर मुड़वाना ही है, तो सर मुड़वा सकती है। मान लीजिए किसी औरत के सर में चोट लग गई, कहीं पर जख्म हो गया, अब जाहिर है जख्म का इलाज करने के लिए उतनी दूर का बाल आपको मुड़वाना पड़ेगा। अब जख्म पर का इलाज करना है, वहां पर पट्टी बांधनी है, वहां पर दवा लगानी है, उसके लिए आपको उतनी दूर का बाल मुड़वाना पड़ेगा, आप मुड़वा सकती हैं। तो औरत के पास अगर सर मुड़वाना ये मजबूरी हो, और मजबूरी वो खुद तय नहीं करेगी, जो जो मसला है उस मसले से मुतालिक जो स्पेशलिस्ट है उससे मशवरा करेगी। अगर वो कहेगा कि इसका हल सर मुड़वाना ही है, तो वो सर मुड़वा सकती है।